दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कोहली नॉट आउट थे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गलत तरीके से आउट दिए जाने पर अब कप्तान विराट कोहली भी बुरी तरीके से भड़क गए हैं। लेकिन आखिरकार भड़कते हुए विराट कोहली ने अपने बयान में वीरेंद्र शर्मा पर क्या कह दिया, वो तो आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली क्या आज वाकई में आउट थे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में इस समय 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन इस समय सारे देश में चर्चे हैं कप्तान कोहली के। आपको बता दें कि जैसे ही दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत ताबड़तोड़ थी। मैदान पर उतरते ही शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल ने अपना क्लास दिखाया। गिल के बल्ले से 44 रनों की पारी निकली तो वहीं मयंक अग्रवाल तो शतक ही जड़ गए थे। परंतु इस बीच एक ऐसा वाक्य हुआ जो कि इस समय पूरे देश में सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद पुजारा आउट हो गए और फिर अजाज पटेल की गेंद पर वीरेंद्र शर्मा नाम के थर्ड अंपायर ने विराट कोहली द्वारा लिए गए DRS पे उनका अपोज करते हुए उन्हें साफ तौर पर आउट करार दे दिया, जबकि गेंद बल्ले पर लगी थी। आपको बता दें कि अपील थी LBW आउट की। गेंद विराट कोहली के पैड पर नहीं बल्कि बल्ले पर लगकर पैड पर लगी थी, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल आउट था, जिसके चलते वीरेंद्र शर्मा ने अंपायर का ही साथ दिया और विराट कोहली को पता नहीं किस एंगल से आउट करार दे दिया। जाहिर सी बात है कि आउट होने के बाद विराट कोहली का गुस्सा प्रचंड था, उन्होंने अपना बल्ला मैदान में ही दे मारा। और वीरेंद्र शर्मा द्वारा लिए गए एक और गलत फैसले के बाद पूरे देश में तो उन्हें ट्रोल किया ही जा रहा है, साथ ही अब कप्तान कोहली ने भी अपना बड़ा बयान दे दिया है। आखिरकार गलती से 0 पर आउट होने के बाद क्या बोले विराट कोहली, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने इस तरीके से आउट होने पर कहा, आज जिस तरीके से हमारी टीम के बल्लेबाज खेले वो वाकई में काबिले तारीफ है, फिर वो चाहे शुभमन गिल की 44 रनों की पारी हो या फिर मयंक अग्रवाल द्वारा लगाया गया शतक, दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम को एक बहुत ही शानदार बढ़त दिलाई है और इससे बढ़कर क्या होगा टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए। एक ऐसी नई सलामी जोड़ी भारत को मिल गई है जो कि हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, विराट कोहली से उनके विकेट पर जब चर्चा की गई तो विराट कोहली ने कहा, क्रिकेट के गेम में सब कुछ सही नहीं है और ये उनमें से एक ऐसा फैसला है जिसे सही करना होगा। अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल देना मतलब ये नहीं कि खिलाड़ी आउट ही है। जब DRS लिया गया तो मैं जानता था कि गेंद पैड पर नहीं बल्कि बैट पर लगी है, लेकिन किस हिसाब से और किस नियम के आधार पर थर्ड अंपायर ने मुझे आउट करार दिया, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, केवल मेरे लिए नहीं बल्कि सभी टीममेट्स के लिए और यहाँ तक कि कोच के लिए भी, क्योंकि इसे केवल अंपायर का गलत फैसला नहीं कहा जा सकता। ये सिस्टम का एक ऐसा लूपहोल है जो कि खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे गेम को पलटने का दम रखता है। अगर विकेट की वजह से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 रन ऊपर नीचे हो जाएं तो मुकाबले की हार और जीत तय हो जाती है। मुझे लगता है कि ICC को इस नियम को बदलना चाहिए। दोस्तों, विराट कोहली खासा गुस्सा है वीरेंद्र शर्मा के इस गलत फैसले से, और आखिरकार हो भी क्यों ना, विराट कोहली जैसा चैंपियन खिलाड़ी मैदान में शतक लगा सकता है और वो अंपायर की गलती की वजह से 0 पर आउट हो गया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कोहली आउट थे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।